हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ स्मृति सिन्हा। तो चलिए आज हम अपना आगे का प्रीपोजिशन का यूज देखते हैं। तो हमारा अगला है बिसाइड। बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बिल्कुल बगल में या फिर किसी के बहुत समीप, बहुत ही ज्यादा नजदीक। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? के बगल में, के समीप, के बिल्कुल बाहर या परे, यानी कि हटकर। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जस्ट बगल में या समीप उसको बोल सकते हैं, या के बिल्कुल बाहर यानी कि थोड़ा सा उससे हट करके या परे, मतलब हट करके। जैसे एग्जांपल, आई एम सिटिंग बिसाइड माय फ्रेंड। मैं अपनी दोस्त के बगल में बैठ रही हूँ। यहाँ पे जो बिसाइड है ये हमारा प्रीपोजिशन है। मैं अपनी दोस्त के बिल्कुल बगल में बैठ रही हूँ, ये हो गया हमारा बिसाइड का यूज। आगे हम देखते हैं बिसाइड्स। याद रखेंगे ये बिसाइड है, देन अगला हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि कोई दो व्यक्ति या वस्तु है, ठीक है, उसके अलावा एक और तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे बिसाइड्स का यूज होगा। इन एडिशन टू यानी कि इसका यूज देखते हैं, एक व्यक्ति या वस्तु के अलावे या अतिरिक्त, ठीक है, दूसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने में किया जाता है। यानी कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसके अलावे वहां पे दूसरा पर्सन भी है, तो उसके बारे में जो सेकंड पर्सन है उसके बारे में जो बताता है वो बिसाइड्स होता है। जैसे एग्जांपल, बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश। हिंदी के अलावे मुझे अंग्रेजी आती है, यानी कि ये बिसाइड्स हमारा प्रीपोजिशन हुआ। बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश, हिंदी के अलावे, हिंदी के अतिरिक्त मुझे अंग्रेजी आती है। देन अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मीन्स होता है इन द मिडल ऑफ टू, यानी कि किसी दो पर्सन या किसी दो थिंग के बीच का जो बोध होता है उसमें हम बिटवीन का यूज करते हैं। इसका यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच होता है। एग्जाम्पल, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन निशा एंड पूजा। निशा और पूजा के बीच में इन सेवों को बांट दो। यहाँ पे बिटवीन जो हमारा वो प्रीपोजिशन हुआ। अब मैंने पिछले क्लास में जो कराया था उसमें एमोंग और एमोंगस्ट आया था, तो उसमें क्या था कि उसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच को ही हम काउंट करेंगे। उसके बाद अगला है हमारा बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स ऑन द फार्दर साइड ऑफ, यानी कि उस पार, किसी भी मतलब स्थान या प्लेस के सेकेंड साइड में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? उस पार, ठीक है, की दूसरी ओर, स्थान का प्लेस का जहां पे डिनोट करते हैं वहां पे की दूसरी ओर। यहाँ पे एक प्लेस है, दूसरे प्लेस पे जाना है तो दूसरे प्लेस के बारे में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। के बाहर यानी किसी के भी नियंत्रण के बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल। देन उसके बाद है के बाद, यानी कि टाइम का यहाँ पे डिनोशन होगा कि टाइम के टाइम पे हम यहाँ पे बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्री वॉल्स, तुम्हें बाउंड्री के दीवालों के बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बियॉन्ड का यूज हुआ है, तो बियॉन्ड हमारा प्रीपोजिशन है। फिर से देख लेंगे, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्री वॉल्स, बाउंड्री की दीवार के आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं। तो चलिए हम अपना आगे का यूज देखते हैं। आगे हमारा बीनीथ। बीनीथ का मीन्स होता है अंडरनीथ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे या नीचे की ओर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये बुक है, बुक के नीचे, या फिर ये कोई माउंटेन है, माउंटेन के नीचे, तो इसके नीचे का जो भी होगा वहां पे हम बीनीथ को डिनोट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ही लिव्स बीनीथ द स्टोन, वो पत्थरों के नीचे रहता है। यहाँ पे बीनीथ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो स्टोन है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो पत्थरों के नीचे रहता है। देन आगे है हमारा बट। बट का मीन्स होता है एक्सेप्ट, यानी कि किसी के भी अलावे या उसको छोड़ करके। एवरीवन वाज देयर बट यू, वहां पे सब लोग थे लेकिन तुम नहीं थे, यानी कि तुम्हें छोड़ करके वहां पे सब लोग थे। तो बट जो होता है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और इसका यूज हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अलावे यानी कि उसको छोड़ करके। एवरी वन वॉज देयर बट यू, यानी तुमको छोड़ करके वहां पे सब लोग थे। देन आगे है हमारा बाय।
By means nearness of some kind, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ही ज्यादा क्लोज, यानी कि बहुत ही ज्यादा समीप, या फिर अगर प्लेस को डिनोट करता है तो by का मतलब होता है कि किसी भी प्लेस के किनारे यानी कि साइड में, या फिर किसी रास्ते को अगर डिनोट करता है तो किसी भी रास्ते से किसी भी खास रास्ते का भाव होता है। जैसे जीटी रोड का जो होता है वहां पे हम बाई का यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले का, या किसी भी एक एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करने के लिए हम बाई का यूज करेंगे, और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लेकर के चलते, वी गो टू रांची बाई वैली, वादियों से होकर के हम रांची जाते हैं। यहाँ पे बाई हमारा प्रीपोजिशन हो गया, वी गो टू रांची बाई वैली, यानी कि वादियों से हो करके हम रांची जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट यानी कि एक रास्ते को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम बाई का यूज करेंगे। देन आगे हमारा डाउन, डाउन मीन्स होता है फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लो लेवल, यानी कि किसी भी ऊंचे लेवल से नीचे लेवल, यानी कि ऊंचाई से नीचाई की कोई डिनोशन होता है तो वहां पे हम इसका डाउन का यूज करेंगे। जैसे इसका यूज हम करते नीचे या नीचे की ओर, ठीक है, किसी भी मतलब हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की ओर डिनोट करने के लिए हम डाउन का यूज करेंगे। और यहीं पे जो हमारा बीनीथ होता है, यानी कि इसको हम करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे, यानी कि एकदम पॉइंट, जैसे ये स्टोन हो गया, स्टोन के नीचे, यानी कि यहाँ पे वो रहता है, तो यहाँ पे कोई घर है तो यहाँ पे वो रहता है, और यहाँ पे जो ये है ये कि एक हायर पोजिशन हुआ, ये हुआ हमारा लोअर पोजीशन। तो हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की ओर डिनोट करने के लिए हम डाउन का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल, ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के नीचे जा गया। यहाँ जो डाउन है वो हमारा प्रीपोजिशन है। तो चलिए आगे हम अपना और इसका यूज देखते हैं कि आगे और यूज क्या होता है। तो आगे हमारा ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, यानी कि किसी भी चीज का कारण बताने के लिए हम ड्यू टू का यूज करते हैं। और हमारा जो ड्यू टू है वो प्रीपोजिशन होने के साथ साथ एक एग्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं यूज, किसी भी चीज का कारण बताने के लिए हम ड्यू टू का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माई फ्रेंड लेफ्ट भगवा ड्यू टू राधा, मेरे दोस्त ने भगवा को छोड़ दिया राधा के कारण। यहाँ पे राधा के कारण मेरे दोस्त ने भगवा को छोड़ दिया, तो ये जो हमारा ड्यू टू है वो प्रीपोजिशन है। देन अगला है हमारा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है इन कोर्स ऑफ, यानी कि किसी भी चीज का टाइम बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं समय का बोध कराने में, यानी कि टाइमिंग के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग डे, दिन के समय में हमें सूर्य रोशनी देता है। यहाँ पे जो है ये हमारा समय बता रहा है ड्यूरिंग, कि दिन के समय में सूर्य हमें रोशनी देता है, तो ये ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन हुआ। देन अगला हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है बिसाइड्स, यानी कि किसी भी चीज को छोड़ करके या उसके अलावा, तो इसका यूज हम लोग करेंगे अलावा, अतिरिक्त और उसको छोड़ करके। एग्जाम्पल लेके चलते, दे वेंट देयर एक्सेप्ट राधा, राधा को छोड़ करके बाकी सब वहां पे गए थे। यहाँ पे एक्सेप्ट हमारा प्रीपोजिशन हुआ। फिर उसके बाद अगला हमारा फॉर, फॉर मीन्स इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट्स, यानी कि किसी भी पर्सनल बेनिफिट को डिनोट करने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि इसका यूज करते हम लोग के लिए, यानी के वास्ते, किसी भी एग्जैक्ट रीजन को यानी उद्देश्य को बताने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। किसी के भी समर्थन में हम फॉर का यूज करेंगे, या पक्ष में, किसी भी चीज का कारण बताने के लिए, या किसी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, या प्राइस में, फिर उसके बाद टाइमिंग में, या पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम दो चीज होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम का हम बता देंगे आगे कि क्या करना है। फिर किसी भी चीज के बदले में वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए मैंने मिठाइयां खरीदी, तो यहाँ फॉर हमारा प्रीपोजिशन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का यूज हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।